हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल सुरेंद्र चौरसिया ब्लॉग्स में। आज आपको सावन के दूसरे सोमवार को मैं आज आपको बलरामपुर उतरौला के रोड पे ही एक बहुत ही भव्य मंदिर है भगवान शिव का, वहां पे आपको लेकर चलूँगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे वो मंदिर कितना अच्छा है। आप देखेंगे, आपको देख के पता चल जाएगा कैसा वो मंदिर है। चलिए देखते हैं। बस कुछ ही दूर बचे हैं हमको पहुंचने में, आप जब पहुंच जाएंगे उसके बाद वहां पर जब आप एक बार पहुंच जाएंगे आपको वहां से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। जिस तरह हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हम गए थे वहां, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतने श्रद्धालु थे, भगवान थे वहां पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहां पे, तो आने का बिल्कुल मन नहीं था, पर इतना अच्छा लगा कि आपको क्या बताएं। चलिए तो दिखाते हैं आपको। श्री कल्पेश्वर जी जो हमारे महादेव हैं, जिसको हम प्यार से जंगली नाथ जी भी बोलते हैं कि वो एक जंगल बना हुआ, इसलिए जंगली नाथ बोलते हैं उनको। बस ये कुछ ही दूर पहुंचने वाले हैं। बस अब पहुंच ही गए हैं, तो लीजिए बस हम पहुंच चुके हैं श्री कल्पेश्वर महादेव जी बाबा जंगली नाथ के द्वार पे। बस इसके दाएं साइड में भगवान का मंदिर है। देखिए श्री कल्पेश्वर महादेव बाबा जंगली नाथ प्रवेश द्वार ये बना हुआ है। अंदर का जो रोड है वो मिट्टी का है, जिससे ये बारिश में प्रॉब्लम होता है। देखिए कीचड़ बहुत है, इसलिए थोड़ा इसमें सूखा हुआ है, पर जब ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। पर देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है, बहुत ज़्यादा है, लाइन इतनी लंबी लगी हुई है कि आपको क्या बताएं। जो जिस तरह भी आप आए वो यहाँ पर आया, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, जिसके पास जो भी साधन था वो यहाँ पर आ पाए हैं। पर आपको आपका एक बार यहाँ पर आइए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारे जो महादेव हैं, जय महाकाल। देखिए औरतों की, जो औरतें बच्चे लड़के जो हैं, देखिए कितना उनका लाइन, देखिए कितना लंबा लगा हुआ है। रोड के कुछ ही दूरी से उनका स्टार्ट होता है लाइन, और भगवान के चरणों तक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे हर सावन में मेला लगता है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ भंडारे भी जब से सावन स्टार्ट होता है हर सोमवार को भंडारा चलता है। बस हम भी लाइन में लगे हुए हैं, बस हम भी पहुँचने वाले हैं। लीजिए पहुँच गए श्री कल्पेश्वर महादेव बाबा जंगली नाथ, बाबा सबकी मनोकामनाएं को पूरी करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको दर्शन करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुरेंद्र चौरसिया ब्लॉग को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।